हमारे टोहाना में पंचायत भवन बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कार्य होगा। इन उनके भी अगर वो आत्मा पे हाथ रख के एक बार ईमानदारी से अपने प्रभु को याद करेंगे तो उनको पता है कि एक बड़ा बदलाव हरियाणा में हमारी गठबंधन सरकार ने किया है। जो ईमानदार एक तो लोग दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। ईमानदार ना होते भी लोग दिखावा करते जैसे मैं ईमानदार हूँ, लेकिन ईमानदार होना पड़ता है और वो शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ती है। चाहे हमारे राजनीतिक तौर पर हमारे प्रतिद्वंद्वी हों, वो भी इस बात को आपके सामने चाहे कैमरे पे हो सके ना बोल सके, लेकिन कैमरे के बाद अगर आप वैसे रूटीन बात करेंगे तो वो इस बात को वो भी स्वीकारेंगे कि हाँ एक टोहाना में बदलाव आया है। अब सेवा की राजनीति, काम की राजनीति, स्वाभिमान की राजनीति हमने टोहाना में शुरू की है, हल्के से शुरुआत है, प्रदेश में शुरू हो रही है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ चंद्रशेखर धरनी। विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। बबली जी स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद बबली जी। जिस प्रकार से 7 मार्च के सीएम साहब के कई कार्यक्रम में कई सौगातें मिलने के संकेत हैं, किस प्रकार की ये सौगातें जनता के लिए रह सकती हैं? देखिए, पूरा हरियाणा प्रदेश का संपूर्ण डेवलपमेंट हो और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर नागरिक तक पहुंचे, उसके लिए काफ़ी कामों का उद्घाटन जो कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे हमारे वो ग्रामीणांचल के हों, चाहे हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में, और बहुत से शिलान्यास मैं कह सकता हूँ कि करोड़ों में ये सौगात हरियाणा प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हरियाणा की जनता को 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री देने का काम करेंगे। और हमारे फतेहाबाद ज़िले में भी काफ़ी जो काम कंप्लीट हुए हैं, जोड़ों का जीर्णोद्धार है, उनके उद्घाटन होंगे। हमारे टोहाना में पंचायत भवन बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह कार्य होगा। तो जिला की तरफ से और ग्रामीणांचल के पूरे भारत हरियाणा की तरफ से और टोहाना की तरफ से मैं भी एडवांस बधाई देना चाहूँगा कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। टोहाना आपकी विधानसभा के क्षेत्र है, उसके बारे में अगर बात करें पिछले 4.5 साल में ऐसी क्या उपलब्धियां रही जिनको आपने करवाने का प्रयास किया? देखिए, टोहाना में काफ़ी पुरानी लंबित मांगे थी जो डेवलपमेंट को लेकर मेरे टोहाना का वासियों का, मैं कह सकता हूँ कि उनका हक भी था और वो काफ़ी समय से पेंडिंग थी। जैसे उदाहरण के तौर पर 1970-72 में हमारा सिविल हॉस्पिटल बना था और उसके बाद बहुत चेंज हुआ है, आबादी भी बढ़ी और लोगों को सुविधाएं चाहिए थी हॉस्पिटल के लिए। 100-बेडेड हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट सुविधाओं के साथ साथ मंजिले भवन के साथ बनवा कर टोहाना हल्का वासियों को हमने उसकी शुरुआत करवाई और आने वाले समय में टोहाना हल्का वासियों को हम समर्पित करने का काम करें, काम शुरू हो चुका है। एक लंबी काफ़ी समय से पेंडिंग ये काम था। इसी प्रकार बस स्टैंड की 10 साल पहले की घोषणा थी, उसको कम्प्लीट करा के वो काम शुरू हो चुका है। बाईपास अधूरा पड़ा था, उसको हमने कंप्लीट करवाने का कार्य किया। शहर के अंदर कॉलोनियों को पास करवाने की बात थी, सीवर और पानी की बड़ी बड़ी समस्या थी, उससे वहाँ एक बजट, अच्छा बजट दिया कर देने का हमने काम किया, जिससे गांव में भी काम चले। नए वाटर बक्स हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए टैंक बनने की बात है, पाइपलाइन दबा कर नए कनेक्शन देने की बात है। इसी प्रकार गाँव में जोड़ों का जीर्णोद्धार था, उसकी काफ़ी बड़े लेवल पर टोहाना में डेवलपमेंट के कार्य चले हुए हैं। हमने सबसे बड़ी सौगात मैं कह सकता हूँ कि जो जिला लेवल में हमारी हरियाणा सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है, हमारे फतेहाबाद ज़िले का कॉलेज जो पूरे फतेहाबाद ज़िला को जिसका लाभ मिलेगा वो रसूलपुर गांव रतिया के बिल्कुल पास लगता हुआ हमारे टोहाना क्षेत्र में बन रहा है। और एक बड़ी सौगात मैं कह सकता हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे प्रयासों से, टोहाना वासियों की डिमांड पर वहाँ देने का कार्य किया। और रोडों का वाइडनिंग हो, जैसे 147B पिछली, मैं ये कह सकता हूँ कि 20-25 साल से वो रोड की हालात ख़राब हुए पड़े हैं और उसमें सरकारें पिछली भी रही, लेकिन वो भी वाइडनिंग के साथ उस कार्य को भी हमने शुरू करवाया है। जमालपुर पर जाम लगता था, वहाँ पर एक रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। अनेकों ऐसे कार्य है जिनकी टोहाना हल्का को ज़रूरत थी, ऐसे अनेकों कार्य सरकार के माध्यम से हमने टोहाना क्षेत्र में एक डेवलपमेंट ले जाने का कार्य किया। अब टोहाना में जो विकास और प्रगति की सिर्फ भाषणबाजी या बातें थी, उसको हमने धरातल पर ले जाने का काम किया और पूरे प्रदेश में आज हमारी सरकार के द्वारा ये कार्य करवाए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये नहीं कि जहाँ सरकार के विधायक हैं वहीं काम हो, पूरे हरियाणा प्रदेश को सिमिलिटी के हिसाब से चलाते हुए हर जगह डेवलपमेंट के कार्य थे। मेरे टोहाना हमारे हरियाणा प्रदेश के गाँव हों या हमारे शहर, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार जनता से जो वादा करके आई थी उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की आचार संहिता कभी भी लग सकती है विद इन वीक और 10 डेज, और उसके बाद चुनावों के बाद
लगभग 25-26 मई तक केंद्रीय सरकार भी बनेगी, उसके बाद लगभग 60-70 दिन 75 दिन का टाइम मिलेगा, उस दौरान आपका लक्ष्य क्या रहेगा अपनी विधानसभा के लिए, क्या अचीवमेंट और कराने का? देखिएगा, अभी काफ़ी फंड, चाहे पूरे मैं प्रदेश की बात करूं, पंचायतों को डायरेक्ट 5400 करोड़ रुपया जो PRI का कैपिटा का पर कैपिटा के हिसाब से जो फंड गाँव में हमारी पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषद को देने का हमने डायरेक्ट काम किया, जिसके लिए हमारे सरपंच और चुने प्रतिनिधि जो भी लोग होते थे वो चंडीगढ़ के बेचारे चक्कर मारते घूमते थे, आज वो डायरेक्ट पैसा पंचायतों में जाता है, पंचायतों को ये संस्थाओं को मजबूती देने का काम किया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जिला परिषद में 1.5 करोड़ रुपये का बजट जाता था, आज हमारे जितनी भी जिला परिषद हैं उसमें करोड़ों रुपये, 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 20-30-50 करोड़ पर कैपिटा जितनी भी आबादी जिले के अंदर आती है, सरकार के द्वारा डायरेक्ट पैसे भेजने का काम किया। और अन्य कामों का जो फंड सरकार के द्वारा गाँव के डेवलपमेंट के लिए देने की बात थी, वो भी हमने डायरेक्ट उनकी मांग पर वहाँ भेजने का काम किया, और पैसे का हिसाब हम जनता को दें और ये पारदर्शिता से काम हो, गुणवत्ता के साथ हो, समयबद्ध तरीके से हो, ये कार्य हमारी सरकार ने किया है। और जो टोहाना भी, अगर आप टोहाना में जाकर कभी आपको जाने का मौका मिले, अगर आप जाकर पूछेंगे तो वहाँ आज काम की बात होती है, जात पात से, धर्म से जो राजनीति पहले बांट कर, लूट कर, खसोट कर, लड़ा कर होती थी, वो हमने ख़त्म करी, अब सेवा की राजनीति होगी, सम्मान की राजनीति होगी और काम की राजनीति होगी, और वो हमने प्रूव किया है, हमने टोहाना में कार्य करके दिखाए हैं, बताए हैं, और जनता ने स्वीकार किया है कि कार्य हो सकते हैं। सरकार के प्रति हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास पहले ही ज़्यादा बढ़ा है पारदर्शिता के कारण, और जो ऑनलाइन सिस्टम का जो लाभ, जो हमारे विपक्ष के कई साथी कहते हैं पोर्टल की सरकार है, जो बिचौलिए थे उनको ख़त्म करने का सरकार ने काम किया, किसान के जो फसल है डायरेक्ट उसका दाम खाते में जाता है, बिचौलियों का खात्मा हुआ, अगर फसल में नुकसान हुआ भरपाई है, भावांतर भरपाई है, किसान को मानदेय है, जो किसान पैसा दिया जाता है साल में, या हमारे जो जितने भी चुने लोग थे उनका मानदेय बढ़ाने की बात हो, डायरेक्ट लाभ लाभार्थी तक, BPL कार्ड में जो 1,80,000 से इनकम वाले परिवार हैं, कम इनकम वाले, उनमें चिरायु आयुष्मान कार्ड की बात हो, ऑटोमेटिक पेंशन 60 साल के बाद घर पहुंचाने की बात हो, हमारे जो अन्य जो लाभ हैं, जो स्कीम्स हैं, वो डायरेक्ट आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवार तक, इंसान आदमी तक पहुंचाने का सरकार ने काम किया, और इसका आम जनता, मेरा ये मानना है कि उससे खुश भी है कि उनको अब दफ्तरों के ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते और डायरेक्ट लाभ उन तक पहुँचता है। ये सरकार की एक बड़ी, ये तो आपकी पार्टी, ये सरकार की बड़ी कामयाबी इसको मैं कह सकता हूँ। JJP से संबंधित है, विधायक हैं, वयोवृद्ध विधायक हैं, अपना दादा गौतम, वो भी कहते हैं कि देवेंद्र बबली जो है ईमानदार है, काम करने का उसमें लगन है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। देखिएगा, हम जहाँ भी हैं, चाहे हम जो चुने लोग हैं, आज हमें सरकार में बतौर एक मंत्री के रूप में मुझे कार्य मिला हुआ है, चाहे विधायक के नाते मेरी जनता ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है जनप्रतिनिधि होने के नाते, और चाहे एक आम आदमी के रूप में मैं जब काम करता था, एक समाज सेवी के रूप में काम करता था, हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, और जहाँ जिस पद पर भी हैं, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे हम चुने लोग हैं, हम जनता के बीच में, अधिकारी या सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। और मैंने शुरू दिन से जहाँ पर भी, जिस पद पर भी मुझे, चाहे पारिवारिक तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, चाहे राजनीतिक तौर पर जिम्मेवारी, मैंने अपने पद पर उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए ईमानदारी से अपनी जो जिम्मेवारी उसको निभाने का कार्य किया है। और उसी का यही कारण है कि आज जो ईमानदार, एक तो लोग दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते, ईमानदार ना होते भी लोग दिखावा ये करते जैसे मैं ईमानदार हूँ, लेकिन ईमानदार होना पड़ता है, और वो शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ती है, वो शुरुआत हमने खुद से की है, उसका रिजल्ट आपको एक बदलाव डिपार्टमेंट में भी नज़र आएगा, एक बदलाव आपको टोहाना में जाकर जो वहाँ की जनता से पूछोगे वहाँ भी आपको नज़र आएगा। और यही कारण है कि दादाजी तो चलो हमारे बहुत सीनियर विधायक हैं, एक लंबा उम्र का तजर्बा है, संघर्ष है उनका, तो जैसा आप करेंगे वैसा जनता आईना है आपको दिखाएगी, आप अच्छा करेंगे लोग आपके लिए अच्छा बोलेंगे, अगर आप दूसरे तरीके काम करेंगे तो लोग उसको भी आपको बताएंगे। तो आपने राजनीति में चुनाव बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, चुनावों के अंदर राजनीतिक रूप से उनको चित किया हुआ, आपके सामान्य प्रतिद्वंदी हैं सुभाष बराला, भले ही दूसरे दल से हों लेकिन राज्यसभा में चले गए। देखिए, उनकी पार्टी के फैसले, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, आज हमारी सरकार गठबंधन में है, मैं जननायक जनता पार्टी से टोहाना से विधायक बना, लोगों की सेवा करके वहाँ से विधायक बना, लोगों के आशीर्वाद से विधायक बना, और गठबंधन में आज एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली है, और वो पार्टी का फैसला है, उनको अपने जो भी लोग हैं उनको कहाँ के ही ढंग से
पार्टी में उनसे काम लेना है। तो वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला था, हमें जो जिम्मेवारी टिवाणा ने दी हम उसको ईमानदार से निभा रहे हैं। जो प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कैबिनेट में दी, प्रदेश को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत हमने लगाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल टिवाणा में जब भी आए उन्होंने आपको भी साथ लेकर चलने का प्रयास किया और बराला जी को भी लेकर चलने का किया, मतलब उसका मेरे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपस में समानता का व्यवहार किया। देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बड़ी जिम्मेवारी है और वो मुखिया को अपने हर सदस्य को कहाँ किस हिसाब से वो सदस्य काम कर रहा है उस हिसाब से उसको वेटेज देनी होती है और उससे काम लेना होता है। तो आज जो जिम्मेवारी मेरे पास वो मेरे से काम ले रहे हैं, उनको लगा होगा कि जो उनके सहयोगी साथी रहे उनसे क्या काम लेना, तो उनको वहाँ पर उनकी पार्टी के द्वारा फैसला लिया गया। विकास व पंचायत मंत्रालय, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने मुहिम शुरू की थी, उसका क्या प्रारूप है, आज कितनी सफलता मिली? देखिए, डकैतियाँ बंद हुई हैं, जो पैसे की जवाब ना देने की एक आदत पड़ चुकी थी, पैसे को सरकारी पैसे को बिल्कुल फ्री का मान लिया था, आज उन पर हमने लगाम कसने काम किया है। ई टेंडरिंग के माध्यम से कामों को डिवाइडेशन करके किस साइड से कौन सा पैसा किस काम के अंगेस्ट खर्च करना है, ऐसी बहुत से चेंजेज आपने देखे होंगे पिछले इन 2.25 साल में हमारे पंचायत डिपार्टमेंट में सरकार के द्वारा किए गए हैं और उसका लाभ ग्रामीण अंचल में जो गांव में बैठे हुए हमारे परिवार हैं उनको डायरेक्ट मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि पहले बहुत शिकायतें थी पैसा के खुर्द बुर्द होने की, जो पैसा दिया जाता था उसके काम ही नहीं होते थे या दिया गया उस काम की क्वालिटी नहीं होती थी। तो इस प्रकार की जो शिकायतें चाहे एलिगेशन हमारे चुने लोगों पर भी थे, पंचायतों पर जो भी बॉडियाँ थी हमारे साथी थे कर्मचारी अधिकारी में बहुत एलिगेशन थे, सरकार ने आपने देखा होगा कि कोविड के बाद कड़े इस पर संज्ञान भी लिए और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की गई है। जहाँ जहाँ कोई भी लोग लिप्त पाए गए उस पर बिल्कुल भाई भतीजावासी ऊपर उठते हुए विदाउट पार्सल टीके और उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई है। उससे मैं ये कह सकता हूँ बहुत बड़ी जो एक करप्शन पे लगाम लगाने का काम आज सरकार के इन सख्त फैसलों ने के माध्यम से हुआ है और अब पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके के साथ डेवलपमेंट पे लगे, ये हम सब ने चाहे अधिकारी कर्मचारी हैं हमारे चम चुने लोग हैं जो हमारी सरकार में हमारी ड्यूटी है हम उसको पूरा करने में लगे। कांग्रेस तो आरोप लगाती है, वो सदन में भी लगाती है, सड़कों पर भी लगाती है, बाहर पब्लिकली भी लगाती है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, चाहे वो तहसीलों के घोटाले का मामला हो, शराब का कोरोना के दौरान का मामला हो, पंचायतों में घपलों का मामला हो, अलग अलग जगह उनके तीर चलते रहते हैं। देखिएगा, ये एक व्यवस्था है, ये जब से सृष्टि बनी तब से ये चोरियाँ तो मेरे ख्याल से उस टाइम भी रामराज में भी शायद मुझे तो पता नहीं होती रही होंगी, छोटे मोटे इस टाइप के लोग जो थे वो इस सृष्टि के साथ चले आए, लेकिन अब जो एक माहौल था वो ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और उसी को ठीक करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा फैसले बड़ा प्रयास रहा है। भाई जो पैसा पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा एक पब्लिकली एक उनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि हमें 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे लगते हैं, हमने उस 15 पैसे को पूरे का पूरा 100 पैसा बनाकर धरातल जाने का काम किया, ये बदलाव ही है। इसके लिए आपको ऐसे जो लोग उस पैसे को खुर्द बुर्द करने वाले लोग थे उन पर शिकंजा कसने की जरूरत थी, हमने किया, खलबलाहट भी मची लोगों में, आपने देखा होगा बड़े मुझे कई जगह विरोधों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जनहित के लिए प्रदेश हित के लिए देश हित के लिए सख्त फैसले पहले भी लिए गए हैं, हमने भी लिए हैं और आने वाले समय में जनता हमें मौका देगी, हम आगे भी लेंगे। हमारी प्राथमिकता है जनहित और प्रदेश हित और देश हित। और जो ये एलिगेशन की आप बात कर रहे हैं हमारी विपक्ष के साथियों की तरफ से, उनका भी राज रहा था 10 साल, उस टाइम के बार घोटाले उठाकर देख लीजिए, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनके भी अगर वो आत्मा पे हाथ रख के एक बार ईमानदार से अपने प्रभु को याद करेंगे तो उनको पता है कि एक बड़ा बदलाव हरियाणा में हमारी गठबंधन सरकार ने किया है जिससे आम जनता को उसका डायरेक्ट लाभ मिलना शुरू हुआ और जो पैसा 100% में जिसमें शिकायतें थी आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी शिकायतें पिछले 1-1.5 साल में हमने बिल्कुल ख़त्म करने का काम किया। उसके बावजूद भी अगर शिकायतें आती हैं तो उसको भी बख्शा नहीं जाता, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा में हुआ है, कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है कि 10 की 10 सीटें जीत जाएंगी, हुड्डा साहब का दावा है? देखिएगा, दावा तो सभी दल करेंगे, लोकतंत्र की यही तो सुंदरता है, लेकिन वो फैसला तो जनता जनार्दन ने लेना है, वो हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी हमने 10 सीटें किसको देनी है। जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का जिनका सपना है,
उनका साथ देना है, या ऐसे लोग जिनको पहले लंबा समय तक सत्ता में रहे और आज देश और हमारा ये प्रदेश कहाँ खड़ा है? वो तो जनता जवाब मांगेगी और जनता ही जवाब देगी और जनता ही ये तय करेगी। उनके कहने से 10 सीटें नहीं आएंगी, ये हरियाणा प्रदेश की जनता अपना फैसला लेगी अपने वोट के रूपी आशीर्वाद से। और मैं ये मानता हूँ आज मोदी साहब के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो हम गठबंधन में हैं। आज चुनाव के बाद एक सहयोगी के गठबंधन में हमने सरकार बनाई है। ये फैसला हरियाणा की जनता ने लेना है और मुझे लगता है कि देश तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है ताकि देश और मजबूत हो सके और 2047 का सपना जो अकेले नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, हर भारतीय का है, हरियाणवी का है, वो पूरा हो सके। नरेंद्र बबली का बतौर मंत्री रोड मैप आगामी जितना समय बतौर मंत्री बचा है उसको लेकर क्या रहने वाला है? देखिएगा, मैं ये मानता हूँ जो फैसले हमने लिए हैं, जो बदलाव हमने किए हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए हमने नहीं, हमारी लड़ाई हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ हुआ था, जो सिस्टम से लोगों का विश्वास हट चुका था, हमने विश्वास पैदा किया है। आज डेवलपमेंट हो सकती है, गुणवत्ता के साथ हो सकती है, समय में थोड़ा सा लंबित हैं, अभी हम डिले हो जाते हैं हमारे काम, उसको भी हम समय पर भी उसकी फाउंडेशन करने लग रहे हैं, समय पर वो काम हो। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि समय, आपने 3-4 बार कह दिया थोड़ा, बिल्कुल इस 5 साल के टर्म के लिए थोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला समय भी ये हरियाणा प्रदेश की जनता हम लोगों को देना काम करेगी ताकि जो कार्य हमने शुरू किए हैं वो कार्य हम पूरे करवा सकें। और जो ये व्यवस्था परिवर्तन हुई है, ये आम नागरिक को इसकी समझ आ चुकी है। अगर आप कभी, आपको टोहना में जाने का मौका मिलेंगे, चाहे हमारे राजनीतिक तौर पर हमारे प्रतिद्वंद्वी भी हों, वो भी इस बात को आपके सामने चाहे कैमरे पर हो सके ना बोल सकें, लेकिन कैमरे के बाद अगर आप वैसे रूटीन में बात करेंगे तो वो इस बात को वो भी स्वीकारेंगे कि हाँ, एक टोहाने में बदलाव आया है, एक सेवा की राजनीति शुरू हुई है। जो जात पात, धर्म, अमीर गरीब की, आपस में भाईचारे को लड़ाने की जो राजनीति टोहाने में होती थी, बांटने की और सत्ता सुख की जो राजनीति, उसको हमने बदल दिया। अब सेवा की राजनीति, काम की राजनीति, स्वाभिमान की राजनीति हमने टोहाना में शुरू की है, हल्के से शुरुआत है, प्रदेश में शुरू हो रही है, इसी पे सरकार काम कर रही है, माननीय मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, इस पे देवेंद्र सिंह बबली काम कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हैं, उनका जवाब आप ही बेखूबी दे सकते हो कि कहीं ना कहीं भाजपा की नज़र देवेंद्र बबली पर टोहाना के लिए है। देखिए, वो उनके पार्टी के फैसले हैं, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं जब पहला चुनाव मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा था, जनता का आशीर्वाद जितना मुझे प्राप्त हुआ, चुनाव हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन जितनी मैंने सेवा की थी, मैं पहली बार में चाहता था कि मैं काम की शुरुआत, मुझे जल्दी टाइम दे जनता, लेकिन जनता ने पूरी अग्नि परीक्षा ली, दूसरे चुनाव में मुझे जनप्रतिनिधि अपना चुना अपने आशीर्वाद से। और मैंने जो एजेंडे पे मैं गया था, जो विचार मैं लेके गया था राजनीति में, भाई सेवा ही करेंगे हम राजनीति में जाके, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और उससे आज टोहाना के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी एक आप देखेंगे सिस्टम, चाहे हमारी पूरी सरकार के प्रति भावना देख लीजिए, चाहे प्रॉपर मेरे ही, अगर मैं पंचायत की, मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँ, उसमें देख लीजिए, चुनाव जनता ने लड़ाना है, हमने लड़ना है, वो फैसला टोहाने की जनता लेगी मेरे लिए। तो बाकी मैं अपना काम आज विधायक के नाते और एक मंत्री के नाते सरकार के साथ और विधायक के नाते टोहाने के लिए कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो ये है देवेंद्र बबली, इनका कहना है कि राजनीति समाज सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है और वो पहले समाज सेवी हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन है, और जनप्रतिनिधि बनने के लिए जनता का विश्वास अर्जित करना बहुत अनिवार्य है। और जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, हरियाणा के मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने विभाग में जो परिवर्तन होने चाहिए, समयबद्ध काम होने चाहिए, उन चीज़ों पर फोकस किया है। विस्तार से कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, भले ही भाजपा की नज़र देवेंद्र बबली पर टोहाना से हो, इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं वो सीधा जवाब तो नहीं दिया, कहीं ना कहीं गोल कर गए। ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या चीज़ें होंगी, लेकिन देवेंद्र बबली ने निसंदेह जिस प्रकार से विकास व पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, उस पर देखते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से और बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।